there ain't no stopping us. हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल मिस्टर मेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने नए सेटअप पे आ चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे इस नए सेटअप को, इस नए ऑफिस को बनाने के लिए। और आपको क्वालिटी में भी डिफरेंस दिख रहा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये नया सेटअप कैसा लग रहा है। हाँ गाइस, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने मैं इस नए ऑफिस का ऑफिस टूर दूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो में ऑफिस टूर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता था, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऑफिस टूर दे दूँगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टॉप शॉट बाय लेनार्ड ग्रीन। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मूव है और मुझे बहुत पसंद है ये मूव करना। आप लोग भी इस मूव को सीख के अपने ट्रिक्स में यूज कर सकते हैं और अपनी ट्रिक्स को और प्रोफेशनल बना सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि क्यों आप लोग को ऐसे मूव सीखने की जरूरत है, टॉप शॉट और ऐसे कई सारे मूव्स हैं। तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए दो सीनैरियोज हैं। पहला, आपको मैजिक ट्रिक करना आता है और दूसरा, आप एक मैजिशियन हो। दोनों बात में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैजिक ट्रिक करना आता है मतलब आपको मैजिक ट्रिक आती है, आपने सिंपली परफॉर्म कर दिया। लेकिन अगर आप एक मैजिशियन हो तो आप हर चीज़ में कंप्लीट हो, आप हर चीज़ में 100% हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हुआ, चाहे वो आपका प्रेजेंटेशन हुआ, चाहे वो आपकी इंगेजिंग स्किल्स हुई, चाहे आपकी नॉर्मल स्लाइड ऑफ हैंड की स्किल्स हुई, हर चीज़ आप उसमें कंप्लीट हो। सो इसीलिए आप ऐसे टॉप शॉट और ऐसे कई सारे मूव्स हैं, जब आप ऐसे मूव्स को सीखते हैं, अपने ट्रिक्स में उसे डालते हैं, तो वो आपको एज अ मैजिशियन और प्रोफेशनल बनाता है। सो आई होप आप लोगों को ये मूव पसंद आएगा और चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा @MrMishanOfficial पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और चलिए आप ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टॉप शॉट सीखने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये मूव वर्क कैसे करता है, इसका बेसिक्स क्या है। इसमें होता क्या है, आप जो टॉप कार्ड होता है, जैसे कि इसका नाम है टॉप शॉट, आपका जो टॉप कार्ड होता है वो शूट होके आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या जो भी हैंड होता है आपका अनदर हैंड, उस हाथ में आ जाता है। ये मूव की खास बात ये है कि ये लगता तो है कि आप कार्ड 20 सेकंड से शूट कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, आपका टॉप कार्ड आपके हाथ में शूट होता है। मैं आपको फेसअप करके दिखाता हूँ। आप देखिए, यहाँ पे हमेशा टॉप कार्ड आता है, लेकिन ये लगता है ऐसा विजुअल्स है कि कहीं 20 से आ रहा है, इसीलिए आप इसे अपने ट्रिक्स में बहुत अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूँ ये मूव वर्क कैसे करता है। इसमें होता क्या है, आपकी जो पिंकी फिंगर है वो टॉप कार्ड पे प्रेशर लगाती है, उसको ऐसे उठाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉप कार्ड है वो थोड़ा सा उठता है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये कार्ड ऐसे घूम के यहाँ से बाहर आ जाएगा, इसीलिए ये कार्ड ऐसे फ्लिप हो जाता है। तो इस मूव को आप ऐसे नॉर्मल अपने मैकेनिज्म में नहीं कर सकते। आप ऐसे कार्ड पकड़ते होंगे तो आपकी पिंकी फिंगर यहाँ पे प्रेशर लगा ही नहीं पाएगी, यहाँ पे फोर्स लगा ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, एक अलग सी ग्रिप में करते हैं इस मूव को। तो आप क्या करिए, सबसे पहले अपनी डेक उठाइए और हाँ, कोशिश करिएगा आप थोड़े से ऐसे कार्ड यूज़ करिएगा जो चिपकते नहीं। अगर दो कार्ड तीन कार्ड ऐसे चिपके होंगे ना तो एक साथ, अगर मैं देखिए एक आ रहा है ना, क्या होगा ऐसे तीन चार कार्ड उठ जाएंगे। तो थोड़ा अच्छे कार्ड यूज़ करेगा ताकि ये मूव इजीली आप कर सकें, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है मूव को सीखने में। तो आप क्या करिए, अगर आप राइटी हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड से इस मूव को करिएगा, और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट से करिएगा। मैं राइटी हूँ तो मैं आपको लेफ्ट से बताने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कार्ड को कुछ ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे होता है कार्ड, मैं कार्ड को थोड़ा ऊपर पकड़ लूँगा कुछ ऐसे। आप यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे, मेरा जो थंब है वो टॉप लेफ्ट साइड यहाँ पे आ रहा है। अगर आप देख रहे होंगे टॉप लेफ्ट साइड में मैंने थोड़ा सा ऊपर पकड़ा है, मतलब डीप पकड़ा है, ऐसे नीचे नहीं है, ऊपर है, ठीक है। मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे। इन दोनों फिंगर, जो मिडिल फिंगर रिंग फिंगर है, उसका टॉप शॉट में ऐसा यूज नहीं है, चाहे भी आप रख सकते हैं लेकिन आपको फिर हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्ड रिलीज होगा तो ये लड़ना ही चाहिए। अब सबसे मेन है आपकी पिंकी फिंगर। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस मूव है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको जस्ट एक दिन में सीख जाएंगे। जैसे एडवांस मूव में रिफल फैन हो गया, एनाकोंडा हो गया, ये सबको सीखने में टाइम लगता है क्योंकि मसल मेमोरीज बिल्ड होती हैं। सेम टॉप शॉट में शुरू में आपके साथ क्या होगा, बस आप इससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, आपके कार्ड हमेशा नीचे गिरेंगे, शूट होके नहीं आएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, कार्ड शूट होके आपके सीधे हाथ में आएगा। मुझे भी याद है जब मैं इस मूव को सीख रहा था, मुझसे नहीं होता था, और एक दिन मुझे याद है अचानक से मैंने किया और मेरे हाथ में सीधे कार्ड शूट होके आ गया। तो वही टाइम होता है जब आपकी मसल मेमोरीज बिल्ड हो जाती हैं। तो आप ये परेशान मत होइएगा कि अगर आपसे तुरंत नहीं होता, इसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मैंने कार्ड को कुछ ऐसे पकड़ लिया, इंडेक्स फिंगर का देखिए मैंने कितना अंदर कार्ड को पकड़ा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने काफी अंदर पकड़ा है पूरी डेक को, ठीक है। अब क्या करिए, आप सबसे पहले अपने पिंकी फिंगर से कार्ड को ऐसे उठाने की कोशिश करिए। ये थंब है ना, यहाँ पे कार्ड रुका हुआ है, इससे इसको रिलीज करने की कोशिश करिए कुछ ऐसे। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, बस इतना प्रैक्टिस करिए, अभी आपको कार्ड शूट करने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना कर ले रहे होंगे, आपको टॉप शॉट करने के लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ।
जोर से फोर्स लगाना होगा और अपने हाथ को जो अपने रिस्ट को है थोड़ा सा फोर्स देना पड़ेगा जैसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। जब आप इसको ऐसे देंगे तो ये इसको एक पुश देगा ताकि वो कार्ड बाहर आ सके। तो आप क्या करिए, पहले तो आप जब ये मूव अच्छे से सीख लेंगे, और हाँ कोशिश करिएगा कि आप एक ही कार्ड इसको करना सीखें। अगर आपसे दो हो रहा है मतलब अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप इसको सिंगल कार्ड ऐसे नहीं उठा लेते तब तक आप अगले स्टेप पे मत जाइएगा। देख रहे हैं यहाँ पे मैं सिंगल कार्ड उठा रहा हूँ, अगर आपसे दो या तीन उठ रहे हैं तो अभी आप मत करिएगा, ठीक है। जब आपसे सिंगल कार्ड इजिली उठने लगे इसके बाद आप क्या करिएगा, अपनी पिंकी फिंगर को ऐसे दबाइएगा नीचे। सो आपको क्या करना है, अपने अभी तो आप बस ऐसे हल्के हाथ से ऐसे पुश कर ले रहे थे, अब आपको क्या करना है, अपनी पिंकी फिंगर से पूरी डेक को ऐसे नीचे दबाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए ऐसे कार्ड को दबा रहा हूँ। अब दबा के जब आप ये चीज करेंगे तो ये नीचे गिरेगा, अगर बिना दबाई करेंगे तो ये पॉप होगा, दबा के करेंगे तो ये नीचे गिरेगा। जब ये कार्ड नीचे गिरने लगे ऐसे, मतलब ये देखिए मैं अगर कैच नहीं कर रहा हूँ, एक तरीके से कार्ड बाहर आ रहा है और शूट ही हो रहा है, और हमेशा कार्ड उल्टा होके ही आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे फेस अप ही आएगा। और हाँ आप कोशिश करिएगा हमेशा कंप्लीट डेक से करिएगा, कम कार्ड से करना ही मूव बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप कोशिश करिएगा इसे पूरे कार्ड से करिएगा। तो अगर आप प्रेशर के बिना कर रहे हैं तो पॉप होगा, दबा के करेंगे तो बाहर आएगा। अब यही आपको दबा के करने की प्रैक्टिस करनी है। अब एक चीज और, आप इस मूव को ऐसे मत करिएगा लाइक ये देखिए, मेरा जो कैचिंग हैंड है और मेरा जो शूटिंग हैंड है बहुत पास है। कुछ लोग करते हैं ऐसे, मैं भी शुरू में करता जब मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज किया कि वो उतना अच्छा नहीं लगता। अब ऐसे दूर से करेंगे तो देखिए वो ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आप इसको पास से करेंगे तो ये ऐसे लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने मूव को करने में, ठीक है। तो दूर से करिएगा ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा उसके बाद। तो आप क्या करिए, अपनी इन फिंगर्स को हटाइए जो मैंने दबाने वाला बताया है, प्रेस करिए और फोर्स लगाइएगा ऐसे। अभी स्लो कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वैसे नहीं होने वाला, जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो देखिए ये कार्ड शूट होके मेरे हाथ में आ जाएगा। अब एक चीज और, ये मूव जो है आप इसको कोशिश करिएगा हल्का सा ऐसे हाथ बेंड करके करिएगा, ऐसे झुका के करिएगा, सीधे मत करिएगा। अगर आप थोड़ा सा जब मैं आप भी ट्रेलर में देखे होंगे, मैं जब इस मूव को करता हूँ मैं थोड़ा सा झुका लेता हूँ, इससे आपको एक वो मिल जाता है, आपको एक पाथ मिल जाता है ताकि आप अपने अनदर हैंड से कार्ड को कैच कर सकें, ठीक है। और हाँ आप जैसे पिंकी फिंगर जिस तरफ करेंगे उसी तरफ कार्ड शूट होगा, अगर मैं उधर करता हूँ तो कार्ड उधर जाएगा, मैं इधर करता हूँ तो इधर जाएगा, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मूव का तो बेसिक यही है कि आपको ऐसे अच्छे से फोर्स लगाना है, ये लूज ना होने पाए, ये एकदम टाइट हो, तीसरी फिंगर जो पिंकी फिंगर आ रही है आपकी वो बैक को एकदम अच्छे से बेंड कर सके, ये दोनों पाथ में नहीं आना चाहिए, अगर ये पाथ में आएगा तो एसी में लड़ जाएगा। और जब आप इनको हटा के ऐसे इसको धक्का देंगे तो ये देखिए कार ऐसे शूट होके आपके हाथ में आ जाएगा। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अपने आप इस मूव को इजिली कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैचिंग कैसे करना है, थोड़ा सा इसका कैचिंग वैसा नहीं है कि बहुत आराम से आप कर लेंगे बिना देखे, लाइक शूट में क्या होता है आप शूट करते हैं आराम से कैच कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि आप जब इसको कैच करने जाते हैं तो आप ये जो बंद कर रहे हैं अपने हाथ को उसका टाइमिंग जरूरी है, इससे क्या होता है कार्ड से लड़के गिर जाता है। तो कैचिंग पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, ठीक है, सीखने के बाद ऑफकोर्स मूव। तो कैचिंग क्या है, हमेशा हाथ को ऐसे थोड़ा सा झुकाए रखिएगा, ऐसे मत पकड़िएगा, अगर आप कार्ड को ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टफ पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा ऐसे पकड़ेंगे तो आपके लिए इजी होने वाला है, ठीक है। तो कैचिंग के लिए क्या करना है, सिंपली आप शूट करिए, जिस तरफ पिंकी फिंगर करने वाले हैं उसी तरफ अपना हाथ रखिएगा और जस्ट अपने आप आपके हाथ में यहाँ पे कार्ड आ जाने वाला है, ठीक है। तो बस सिंपली कैचिंग, देखिए यहाँ पे मेरी टाइमिंग हल्की से मिसमैच हुई, आपसे भी होने वाला है, जरूरी नहीं आप 100 बार कर रहे हैं तो 100 बार ही कैच होने वाला है, सबसे होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप लाइक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लाइक ऐसे रो में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो बस मूव का तो इतना ही था, अगर आप इतना अच्छे से करने वाले हैं तो अपने आप सब अपने आप ही मूव का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, इसमें कुछ वैसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस मसल मेमोरी का खेल है, थोड़ा सा टाइम लीजिए और आप इस मूव को बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे और आप ऐसे ही और मैजिक ट्रिक सीखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ जरूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ऑफिस टूर देखना है कि नहीं, मैं जरूर आपको ऑफिस टूर दूंगा।